दरबार साहिब दे विच बेअदबी दी कोशिश तो बाद कपूरथला च भी माहौल तनावपूर्ण है। कपूरथला दे निजामपुर दे विच भी बेअदबी दी कोशिश हुई है, घटना वापरी है। तड़के 4 बजे मुलजम नू काबू किया गया है। निशान साहिब दे नाल छेड़छाड़ की जा रही थी, जिस तो बाद मौके ते जिहड़े सेवादार मौजूद सी उन्हां वल्लों मुलजम नू काबू कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पर सेवादारां दे वल्लों जिहड़ा मुलजम नू पुलिस दे हवाले नहीं किया जा रहा। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि असी इसका सौदा लाना है, पुलिस दे हवाले मुलजम नू नहीं करना। बहसबाजी हो रही है। थानू सीधियां पहला गुरुद्वारा साहिब दी तस्वीरां दिखाने हैं, जिथे कि पुलिस ते सेवादार सिख जथेबंदियां आपस दे विच बहस कर रही ने। जिसनों के 4 बजे का बंदी बनाया होया कमरे के बंद कर रखे, उसका कुट उसकी मारकुट भी बुरी तरह की गई है, पर वो कुछ भी बोलने तैयार नहीं। हालांकि ये खबर जरूर सामने आ रही है, उसका कहना है कि इकला नहीं है, उसके नाल 9-10 बंदे होर ने, होर शख्स ने। फिलहाल की कुछ ये मंशे दे नाल आए ने, की कुछ ये सोची समझी साजिश है, ये तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पर लगातार माहौल जिहड़ा कपूरथला दे विच तनावपूर्ण हो गया। सिख जथेबंदियां भी पहुँच चुकिया ने, उन्होंने कपूरथला हाईवे जिहड़ा जाम कर दिता है। तो गल इको की जा रही है कि असी मुलजम नू पुलिस के हवाले नहीं करना, असी इसका सौदा लाना है। की कुछ कह रहे हैं निहंग सिंह, आओ सुनते हैं। ये सिख कौम का मामला है, ये सरकारां दे भेजे ने, ये गुरु घरां दे विच बेअदबियां कर रहे ने। असी किसी की बेअदबी नहीं करते, एक जो बेअदबी हो जाती है ये कहते भाई पागल है। पागल नू सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज देखता है, पागल नू सिर्फ एक गुरु देखता है, पागल नू सिर्फ एक गुरु का घर देखता है, पागल नू सिर्फ एक सिख देखता है, पागल नू सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहिब देखता है, पागल नू अपनी माँ नहीं देखती, पागल नू अपना प्यो नहीं दिसदा, पागल नू होर कोई नहीं दिसदा, पागल नू अपना परिवार नहीं दिसदा। कि ये पागल अपनी माँ नू मारे, ये पागल अपने प्यो नू मारे, ये पागल नू दिसदा है ते दिसदा एक सिखां दा, एक सिख कौम दा, ये गुरु ग्रंथ साहिब दिसदा है। कि इस नू असी अंग पाड़ने ने, इस अंगा दी बेअदबी करनी है,
इन्हां नूं सिर्फ एक दिसदा है ते दिसदा गुरु ग्रंथ साहिब है। ते जद ये बेअदबी कर दिंदे ने कई विचों कहिंदे ने भाई ये पागल है, ये कदा पागल है, असीं इहनूं पागल ही समझदे, असीं सोधा लवांगे साडे वीर पहुंचणे दल खालसा तों। ओ कहिंदे भाई असीं जिम्मेवारी है, जो परचा पवेगा दल खालसा वाला वीर संदीप सिंह का मैं चलांगा। असीं प्रशासन नूं कहने आ भाई प्रशासन इस काम दे विच साडे नाल दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि साडे निहंग सिंह वीर भी पहुंचे ने। सो कहिंदे ने भाई असीं प्यार दे नाल गल कर रहे आ ते प्यार दे नाल करांगे, ते पर उदों तक जदों तक कोई साडे ते वादा नहीं करेगा। सो असीं उस व्यक्ति नूं उस आदमी नूं अपने हिसाब दे नाल सिख कौम दे कानूनां दे नाल असीं उस नूं सोधा लावांगे जो इन्हां दे कानून दे विच है। ये अपने कानून दे नाल बाजो सिंघां दे नाल वरत लैण, पर असीं जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी करनी चाहिए ते बेअदबी करन दे लई आया है, असीं उस नूं सोधा अपनी देख दे नाल जरूर लावांगे। सो तस्वीरां तुसी लगातार कपूरथला दियां देख रहे हो, जिथे के माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। वड्डी गिणती दे विच सिख जथेबंदियां भी पहुंच चुकियां ने, हालांकि पुलिस भी वड्डी गिणती दे विच उत्थे मौजूद है, मुलजम नूं हिरासत च लैण पहुंची हुई है, पर सिख जथेबंदियां दे वल्लों ना कर दित्ती गई है। इस वेले साडे नाल कपूरथला तों साडे सहयोगी चंदर जुड़ चुके ने। चंदर, की कुछ माहौल है इस वेले कपूरथला दे विच, तां सिख जथेबंदियां वल्लों की चेतावनी दित्ती जा रही है? फिलहाल जिला कोशिश की जा रही है सेवादार सी गुरुद्वारा साहिब दे विच, उन्हां वल्लों जदों मुलजम नूं काबू कीता गया, जदों मुलजम नूं कुट्टिया जांदा है, की मुलजम दे वल्लों बयान दिता जांदा है? फिलहाल यही दसा जा रहा है कि जिवें जिस वेले उन्हां नूं कुटमार की जाती है आरोपी दे नाल, तां उस वेले किसी भी तरीके दे नाल मुलजम वल्लों कुछ नहीं बोलिया जांदा, सिर्फ ते सिर्फ यही गल कही जांदी है कि नौ लोग जिहड़े नौ लोकां दा जिहड़ा गिरोह इहदे विच शामिल है इहदे विच, क्योंकि अलग अलग थावां ते असीं अग्गे भी बेदबियां देख चुके हां कि दरबार साहिब दे विच जिहड़ी बेदबी, उस तों बाद जिहड़ी होण वाली बेदबी है, इह वी इक पंजाब तों बाहर दा ही नौजवान लग रिहा है कि जिवें लगातार इस खबर ते जानकारी सांझे करदे रहना। सो इस नाल साडे सहयोगी कपूरथला तो चंदर जिन्हां ने तमाम जानकारी दिती है, हालांकि असीं इह पहलां वी जिक्र कीता सी कि जदों उस मुलजम नूं बंदी बनाया जांदा है, सेवादारां दे वल्लों उस नूं कुट्टिया जांदा है, तां इक्को ही गल कहिंदा है कि इस गिरोह दे विच नौ लोक होर जिहड़े ने उह शामिल ने। इन्वेस्टिगेशन दा तां इह पार्ट है, पर फिलहाल कपूरथला दे विच माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो रख्या है। सिख जथेबंदियां ने सड़कां जाम कर दित्तियां ने, नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि इक्को ही गल आख रहे ने कि सौदा लगाउणा है असीं पुलिस दे हवाले, मुलजम नूं नहीं करना, पर पुलिस मौजूद है कि मुलजम जिहड़ा साडे हवाले कर दो, असीं कानूनी ढंग दे नाल इस ते कार्रवाई करांगे, पर सिख जथेबंदियां ने ना कर दित्ती है। उह सिर्फ इक्को ही गल कर रहे ने कि असीं सिर्फ इस मुलजम दा सौदा लाउणा है, असीं सौदा ही लाउणा है। एक बार फिर रुख करदे हां सिख
जथेबंदियां जिहड़ियां चेतावनी दे रही ने सड़कां जाम कीतियां होईयां ने, जिहड़े कह रहे ने कि मुलजम पुलिस के हवाले नहीं करना। सिख कौम का मामला है, ये सरकारां दे भेजे ने, गुरु घरां दे विच बेअदबियां कर रहे ने। असीं किसे दी बेअदबी नहीं करदे। एक जदों बेअदबी हो जाती है ये कहिंदे भाई पागल है। पागल नूं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक गुरु देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक गुरु का घर देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक सिख देखदा है। पागल नूं सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहिब देखदा है। पागल नूं अपनी मां नहीं दिसदी। पागल नूं अपना प्यो नहीं दिसदा। पागल नूं होर कोई नहीं दिसदा। पागल नूं अपना परिवार नहीं दिसदा कि यह पागल अपनी मां नूं मारे, यह पागल अपने प्यो नूं मारे। यह पागल नूं दिसदा है ते दिसदा एक सिखां दा, एक सिख कौम दा, एक गुरु ग्रंथ साहिब दिसदा है कि इस नूं असीं अंग पाड़ने ने, इस अंगां दी बेअदबी करनी है। इन्हां नूं सिर्फ एक दिसदा है ते दिसदा गुरु ग्रंथ साहिब है। ते जद ये बेअदबी कर दिंदे ने, कई विचों कहिंदे ने भाई ये पागल है, ये कदा पागल है, असीं इहनूं पागल ही समझदे, असीं सोधा लावांगे साडे वीर पहुंचणे दल खालसा तों। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਝਟਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਚਾ ਪਵੇਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਆਪਣੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਧਾਂ ਚ ਬੱਚੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਵੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ ਬੋਲੇ ਸੋਣ।